अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, सज्जनों तो मित्रों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ, राज़ी हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ, उसकी वजह यह है कि आज लाइफ में पहली बार हुआ होगा, बल्कि होगा भी शायद पहली दफ़ा ही, कि पहली और आखिरी दफ़ा साल में दो ईदें आ गई हैं मेरे लिए। मतलब कि छोटी ईद और बड़ी ईद दोनों एक ही दिन आ गई हैं, है ना, एक वियर्ड सा काम। और वो छोटी ईद बड़ी ईद जो है वो एक दिन कैसे आई है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे आई है कि पहले मैं आपको बताता हूँ छोटी ईद का। छोटी ईद है जी ये, या टोपी बाना, तू टोपी उतारती है, टोपी ईद दिखा बाना। टोपी का क्या बहस, ये ले जा टोपी। ये हमारा आजकल जो है ना, इसने लुक ऐसी बनाई हुई है, हमें एपी ढिल्लों लग रहा है। आप भी कमेंट्स में देख के जरा खड़ा हो ना, इधर हो गए एपी ढिल्लों, क्या बात है, कहाँ से देख रहे हो, चेक कर शक्ल से नजर आते टिलों की नहीं, ये जो टोपी उतारना फिर तेरा वो बनेगा। हाँ लुक अब है? हाँ जी है। ये आपने ना कमेंट्स में बताना कि वाकई ये वो एपी ढिल्लों लग रहा है कि नहीं। अच्छा छोटी ईद ये किस तरह कि अगर आपने पिछला व्लॉग देखा तो उसके अंदर आपने ये चीज़ नोट की होगी कि एक नाम बहुत ज़्यादा चल रहा था, चौधरी 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 चौधरी, जो कि ट्रेनिंग पे गया हुआ था, पिछले सैटरडे हमारे साथ मिला नहीं, तो इस सैटरडे छुट्टियों पर आया, तो इसने आके जो है ना हमें खुशी सुनाई है कि ईद, आज ईद का दिन है। माशाल्लाह। और जो मेरे साथ तुमने किए पिछले व्लॉग में वो क्या है, वो तो यार उसका कौन देगा हिसाब यार, उसका हिसाब व्हाट्सएप देंगे ना यार, मोबाइल उनका ट्रेड, लेने वाले भी देंगे और देने वाले भी, राशि मुर्तशी। ये है जी हमारी बरीद, और बरीद जो है ना वो इससे रिलेट कर रही है। हाय 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 हाय, अस्सलाम वालेकुम। और वो इसलिए कि यार पूरा साल हम सब जो है ना सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, और सर्दियों का इंतज़ार क्यों करते हैं, क्योंकि हमें खाने को मिलता है द लेजेंडरी हरीसा, मेड बाय ख्वाजा साहब की अम्मी, हमारी अम्मी, हम सब की अम्मी। ओहो क्या हरीसा है, ऐसा हरीसा तनू पूरी दुनिया च कितने मिल जाए, पूरी दुनिया तो बाहर अगली गलैक्सी सानू मिल जाए, जिथे भी मिल जाए, तो मैं मेरा सिर होएगा, ताड़ा छितर होएगा, अल्लाह दी कसम। इस टाइम पे सनी प्लस तूने क्या करनी, सुबह कट आ गया था, कट आ गया था, चंगा फौजी है तू, कट तो स्टिचेस वाला टंग पे है, स्टिचेस वाला है, मैं सिर्फ सनी प्लस से बंद कर रहा हूं, तू कह रहा है ये कट दे, दिखा ये देख खुला हुआ है कितना, बीबी कहाँ खुला हुआ, अन्ना है, नजर नहीं आ रहा तुझे, बस इससे डर गया, तो डर नहीं गया, बस ही कवर कर और ना दे यार, इधर चेक वाट दे, चेक वाट वाट, तू अपने दांत हैं, मैं कहा जरीले ले लेते हैं, है तोहफा। तो ये जो है ना मेरे लेफ्ट पे बैठी है मेरी छोटी ईद, मेरे राइट पे बैठी है मेरी बड़ी ईद, और आज जो है ना बहुत ही बेहतरीन दिन गुजरना है, क्योंकि आज हमें खाने को मिलना है हरीसा। वो हरीसा कैसा होगा और उसका टेस्ट कैसा होगा ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, लेकिन अभी जो है ना सीन ये है कि हम पहले आ गए मैं और चौधरी, क्योंकि हम दोनों वेले तरीन लोग हैं, और इस शख्स को जो है ना जब कोई काम होता है तो हम दोनों ही नज़र आते हैं, क्योंकि वेले हम पहुंच जाते हैं, जब ये आर्डर लगाता है हम पहुंच जाते हैं, ऐसे ही पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, मेहनत करवानी है, तो मेहनत क्या करवानी है आपने, आप जाए किचन में और देखें क्या मेहनत करने वाली है, आपने अभी उसको घोटना है। अच्छा आपके लिए काफ़ी काम बाकी है, प्लीज़ वो करें इसके बाद। हर साल हमें हरीसा मिलता जरूर है, लेकिन हर साल हमें ये काम भी जरूर करना पड़ता है कि उसको घोटना पड़ता है। वी आर नेट, बिल्कुल ये आपने बात की है, भी ज़्यादा आता है, मेहनत की हो तो यार। भाई आज दोपहर को बटलर से हो आए हैं, अब जो है मैंने कोशिश किया, अब जो है ना मेरे ख्याल में अभी ये कोई दो मिनट पहले जो है ना चौथा चक्कर बाथरूम का लगा गया है कि बटलर मैं निकाल लू, मैंने कहा कि बटलर मैं निकालूं ताकि हरीसा की जगह, हरीसे की जो है ना जगह बने, तो अब जो है ना गोटा लगाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कि हमसे कितनी मेहनत कराता, और उसके बाद फिर जो है ना जब हरीसा खाता हूँ, हाँ कर लो बीच में कर लो, तो ये है कि जब हरीसा खाऊंगा ना आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगा,
क्योंकि आज जो है ना इसके घर जोएब नहीं आया, इसके घर आया द फूड ब्लॉगर लेजी शेख, लेजी शेख, लेजी 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 शेख का भी बुला दे यार इसको, रीसे का भी तो बताओ ना, रीसा होता कि आवाम को नहीं भी पता होगा यार, तूने आवाम को इतना बर्गर समझा हुआ है नहीं हमारे दरमियान में नहीं, हम हाँ ग्रुप में एक निकला, ग्रुप में एक निकला, तूने ग्रुप के मैसेज नहीं भरे? चलो मैं अब बिहाइंड द कैमरा कैमरे से बाहर होके ना मैं वो मैसेज पढ़ता हूँ, क्योंकि पर्सनल मैसेज आना इसके सामने तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ता हूँ किसने क्या जवाब दिया। हाँ बीच में कर लो, कर लो बीच में कर लो, वो बात चलो फिर उनको हटा ला ली जिस वास्ते तुसी बुलाया। लो जी लो जी लो जी लो जी क्या बात है, आ गया जी साडा, ओए होए 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 जान कट लेना जान कट लेना, ओए क्या बात है सरीसे दी, देसी घ्यो दे कुटने है भाई जी जी जी, देसी घ्यो दे कुटने, ओ हो हो तुसी सिर्फ तुसी लाओगे कोटा के सी भी लावांगे, आप भी लगा ले, वैसे तो काफी हद तक आप लगा चुके हैं जी जी, बस थोड़ा सा रह गया हमें, अब वीडियो के लिए भी हल्का फुल्का लगा पहले तो मेहनत करके असि पागल हो गए हैं, हां फिर दे जरा कोटा लगी, लो भाई क्या बात है यार, मैं कोटा लाना एंज एर एंज करके एंज लेकिन हाँ एनू फट एंज, तो खाजा साहब जी जी खाजा साहब सानू कहते हैं कि कोटा लाना जी एंज साढ़े शक्ल दे चीज़ ये मजे बनते हैं टेस्ट बनता है, क्या बात है जान कट लेंदा है तू आना कि नहीं आना, तेन खिंच के ले जाना आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, कितना क्या है कितनी देर लगाया शेर, वैसे काफी हद तक हो चुका है, वो डोई तोड़ दी है अभी हाथ लगा के, किधर को था भाजी लगा के तुमने पैसा बस ऐसे ऐसे बाती गई है, तो मैं करता रहा हाँ वीडियो के लिए इतना ही है, अब हम असल कोटा जो है ना लगाने लगे हैं, तो फिर घंटा सी कोटा उन्होंने जो है ना लगाते रहना था और वीडियो लंबी हो जानी सी, तो अभी जो है ना मैं कोटा जो है ना बिहाइंड द कैमरा मतलब के कैमरे से बाहर होके मतलब कैमरा बंद करके फिर कोटा सही तरह लाना ताकि टेस्ट बड़ा बेहतरीन किस्म का निकले ना, अज अज जरा ढिड बाहर हो गया ना डबल बाहर आ जाना इतने इतने अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम। लो जी बंदियां ने हो गए हैं जी, क्या बात है, ओए होए भाई साहब बहुत इंतजार कराया आपने, बस क्या करें माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो आप आ गया, मैं कहता हूँ रौनके चौधरी बस सर चौधरी चौधरी आ रहा है आप कैसे बहुत ज्यादा टेंशन सी, आपका तो मैंने इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया, सर भी करवा चौधरी साहब ये जी लाहौर के कहेंगे, नहीं लाहौर के नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जी पूरे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बरिश्ता कहते हैं Kind of. हाँ, ये, ये, ये ही लव्ज है,
तो ये हैं जी लाहौर के नहीं पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बरिस्टा। बहुत शुक्रिया। बरिस्टा क्या होता है आप बताएं ना। मैं नहीं बता रहा हूँ आप बताएं ना। बरिस्टा होता है कॉफी मेकर। कॉफी मेकर मतलब के जो कॉफी बनाता है जो आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट होता है कॉफी बनाता है। कॉफी अपने लिए अमेरिकनों बनाते हैं बाकियों के लिए सब कुछ बनाते हैं पागल ही बनाते हैं। तो अभी वो हरीसे वाली पार्टी थी ना कौन सी वाली जिसके लिए आपको बुलाया सर ये हाँ। पार्टी के लिए तो मैं दुनिया के किसी हाँ। ये यही सुनना था मैंने कि आप पहुंचता वो डायलॉग आपका क्योंकि मुझे याद है कि एक दफा ये हरीसा यहाँ से ट्रेवल करके दुबई गया था हाँ। तो हमारे दोस्त आसिफ भाई मैंने और उन्होंने ना इतना इतना खाना शुरू किया जब वो इतना सा रह गया ना फिर हमने इतना इतना खाना शुरू किया कि मुक ना जाए खत्म ना हो। तो इसके लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में होता तो पहुंचना था। आज भी आप यही समझे मैं जान पे खेल गया जान पे खेल गया वो बैक स्टोरी तो हमें पता है कि कौन सी जान पे मैं यही समझे जान पे खेल गया हूं ये हरीसा खाने के लिए बिल्कुल। तो ये हाजा साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने हमें याद किया है क्या बात ओ लाइट आ गई जी ओ लाइट आ गई जी लाइट आ गई जी सच बोल रहा है कुलचे ले जा रहे थे तुसी बस वो लेके आए कुलचे सा जी छंड के दरमियाने मदरे ते ओदे जेरे कंडे ने ना ओ बरीक होने चाहिए ठीक है ते तिल लगे होन ऐसे के नाल उसे लगे जेड़ा खान दे रिलेटेड गल्ला करदा ना शेखा नहीं लगदा शेखा नहीं जेंस लगदी शेखा खाना दे होर छड़ देंगे होर को आए ओ रह रह के आ पट्टा दे नाल रह के ख्वाजियां दे नाल रह के हां ते अंदर ही घोर हैगा साडा हां यार ओ हरीसे दे नाल प्याज हुंदा नहीं राई नहीं हुंदे फिर असि किस तरह खावांगे राई विच पए ने अच्छा विच पए ने चलो फिर जरा कुलचे लेके आओ तो फिर दीदार कराइए सब नो हरीसे का ओके करो चलो आहा आहा क्या आए हाय हाय आए हाय हाय खाजे खाजे ओए होए होए आहा क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या वाह ना करन चौधरी ना कर या ठंडा हो जाएगा जैसे आपका चौधरी ऐसे हम कर रहे हैं पाले बस पाले तू सब किताब ले आपके लिए यार खुशी किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही ऐसी खुशी बहुत जबरदस्त फसल है बेहतरीन लग रहा क्यों पाओ यार की सादा सादा पा लिया तो क्यों दिता सी मैं क्यों सुटो यार बारी आई नहीं सी क्या बात है ये असल असल जो शेफ होते हैं ना ये देखो क्या डाल हो जी पहला पहला लुकमा सारे लो तो दसो कैसा जी ओहो भी चुन के ले सब तो है कमाल क्या बात सुपर सुपर ओहो सुपर चोई साहब चार दुनिया से ऊपर है चीज ये माशाल्लाह और जिस तरह गोश्त और दाल और इसमें चावल भी डलते हैं शायद और जो मसाले दो जिसम एक जान हुए हैं ना ये जरा एक ऐसे उठा के जरा चेक करो ओ हो तरी दाल क्या तरी भी ला ली खाइए 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 जरा सा भी वो नहीं है डिटो जो टेस्ट सदियों से चलता आ रहा है 19-20 भी नहीं चेंज होता हमारी इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है हमारी इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है बाकी दिल इस वक्त मेरा तन बदन मेरी रूह सब कुछ रक्स कर रहे हैं अंदर ऐसे मैं हर खाने की कोई ना कोई बदतरीफी मतलब बदतरीफी तो नहीं लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स न ज़रूर निकाल तो काश इसमें मैं कोई नुक्स निकाल सकता क्यों चोरी सर सर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि माँ के हाथ में बना माँ के हाथ का असल टेस्ट वो है बाजार वाला वो टेस्ट इसलिए नहीं है बिल्कुल चोरी सर कोई कोई नुक्स अज कडो हूँ खान दे अज कडो यार सारे तंग आ रहे ने हुन हरीसा
है देखो पेट इधर है मैं पहले ही दसिया जी इधर है ना सब का ये बॉल तुमसे खत्म हुआ ना ये डबल वापस आए हैं भर के ये भर गया इसलिए छोड़ा अच्छा ये दोबारा आया है ये चोई साहब को पैक कर देना ये मुझे पैक कर देना ठीक है तो वो जो बाद में आइटम आनी हो मैं पैक करा लेता हूँ कुछ सीक्रेट भी रखी था अभी कहा ही था और आ गया ना करिया कर मफ्ता पातिया ने देखो ना पहले तो ऐ मफ्ता ओए भी मफ्ता हाँ जी बेहतरीन ये बट साहब तो ज्यादा कर रहे हैं अपने साथ भी हरीसे के साथ भी आगे हलवे के साथ भी ये बात तूने चित बातें अच्छी पकड़ता तू क्या मजा आएगा फौरन ये खाने से अच्छा जी क्या डिस्कशन हो रही थी कह रहे जी के ट्रीट दे मुझे मैंने तो ये कह के पिछले व्लॉग में हो गई है पिछले व्लॉग में वो दोबारा दी जाए हां जी क्या आपका मौकफ है मेरा कोई मौकफ नहीं मैंने व्हाट्सएप पे छोड़ा है इंसाफ कर दें सीन ये है कि अभी जो है ना अदालत लगी है कि जो पिछले व्लॉग में जो ट्रीट हो गई थी वो चोई साहब नाराज हो गए कि मेरे बगैर कैसे ट्रीट हो गई ठीक है तो अब क्या मुद्दा है अभी फारसी में बताया खुद ही तूने बोला सारा मुद्दा है तो वो डबल अंडा सही है आपको हाँ ठीक है नहीं तो अपनी आप देना बीच में तुम्हें ठीक लगता है क्या सेन बंदे हो तुम बता दो ना क्या 15 प्रो का डबल अंडा सही है तो सही है मैंने बोला है फोन के साथ इंसाफ और बंदा यार क्लच भी करवा दो क्लच भी ऐड कराया यार पेप्सी चल पेप्सी ऐड कर मैंडरिन ट्रीट लेके तू बड़ी तुझे जो है ना ये बातें आ रही हैं अब क्लच भी ऐड करा दो बोतल करा दो पानी की बोतल भी डाल दो हारिस आ गया लेट आया लेकिन आ गया अच्छा जी सीन ये है कि इन दोनों ने ट्रीट नहीं ली ठीक है ये तो लो रहा है उसकी तो जेन्युइन रीजन थी ना उसकी तो वो यार ना शुक्र ना बड़ा वो है अच्छा क्या चल रहा शाह किसका हुक्म शाह किसका मेरा है क्या करना ये कह दे पर शाह किसका ये कह रहा पहले निकल गया काट नहीं सकता काट मेरे काट रहा चल 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 अच्छा बहरहाल हरीश भाई सुने अब हम कह रहे हैं कि यार ये दो बंदे हैं ना हम जितने भी जाएंगे हम सिंगल अंडा शामी बर्गर देंगे इनको डबल अंडा कर देंगे इससे ज्यादा सात पेप्सी दे रहे हैं सात क्लच दे रहे हैं सात पानी सात पानी पानी भी देंगे क्या बात है जब मंडेरिन गया था तब नहीं याद आया था सदाम अब जहाँ से लेके जा रहा था तो मैं मना नहीं करता होता चलो यार बट सा फैसला करो यार पते रखो नीचे यार मैंने यही बोला जिधर गए थे वहाँ चलते हैं इसमें क्या इसने कहा नहीं इंसाफ करो ना आपके 15 प्रो के साथ जनाब नहीं फिर ट्रेन का क्या है अगर इंसाफ नहीं करना है ना करें तो उससे और पैसे देकर भेजना चाहिए हां ठीक है जैसे नरेश हां ये हरीश सर दिखाओ जरा दिखाओ जी दिखाओ ये जी रिसा आ गया ये आप ये मेरा ये मेरा ये पहली बार देखा मैंने पहली बार देखा ठीक है मैंने दिस इज द मिक्सचर ऑफ दाल एंड सीख ले पहले ठीक है मिक्सचर होता है दाल का ओके और उसके बाद बीच में शायद गंदम भी डलती है उस्ताद जी चावल डलते हैं ओके और मसाला जात होते हैं और इसके अंदर गोश्त होता है मटन का किसका मटन अच्छा मटन का गोश्त
मुलायम वाला, इसलिए हमारे दोस्त की नजर ही नहीं माशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद इसमें होता है देसी घी, ये ठंडा हो जाएगा, इसकी तो माशाल्लाह महक आ ही गई है। ये देखें ना, ये अब आपने खाना है और बताना है जी कि कैसा है। आप समझे आप जो है ना फूड ब्लॉगर है। कुलचे का ये मेरा दोस्त मेरे साथ खाता है, इसलिए मैंने खुद से ठहर जा वो नहीं खाना, तू ना बीच ये मैंने नान का हाथ नहीं मारा, हां इसको ऐसे किया, हां जी आगे चले, फिर ऐसे डिप करें, डिप किया, डिप किया तरीके साथ, लिक कौन करेगा यार, सब्र कर जा, फिर काटना पड़ेगा देख ले, तो कहता है ये ले जी, ये जी ये आ रहा है इसका, सही तरह लगाना, क्या क्या सही ज्यादा लगा, खुल के यार खुल के लगा दिया, ये ले जी हाँ बेटे, इसके बाद अगला वाला नहीं होता, पहले उसका रिव्यू होता है, फूड ब्लॉगर कह दिए तुझे, उसका जवाब ही सुन लो ना, ऑडियंस समझदार है, इनको पता है कि मैंने अगर बोला नहीं है इसका मतलब अच्छा नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है, यार मेरे ख्याल में लड़ाई खत्म कर लेनी चाहिए, खत्म कर लेनी चाहिए, आप बता दें पहले तो चोई साहब से, आप ये पूछे चोई साहब, पहले आप ये बताए कि ना आप ना अब्दुल्ला ट्रीट हो सकती है, मैंने तो बोला है कि मुझे सिर्फ दुख इस चीज का हुआ कि बंदे पूरे किए बगैर कैसे हो सकता है, नहीं आप बताएं, आप बताएं कैसे कैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन पिछला ब्लॉग क्या कहता है, पिछला ब्लॉग क्या कहता है, ब्लॉग तो कहता है आप ये बताएं, आपको अपने दोस्तों का पता है कि अपने दोस्तों पे यकीन है, आपको अपने दोस्तों पे भरोसा ही नहीं मुझे है, लेकिन आपको पता है ब्लॉग ये आपके ऊपर पुट्ठा केस पर गया भाई जान, आपको पता है ब्लॉग क्या कहता है, ब्लॉग कहता है कि भाई जान ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वीडियोस और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये अदालत में काबिल एडमिसिबल, मतलब लेकिन आपको लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये व्लॉग जो है ना झूठ की दुनिया है, ये स्क्रिप्टेड काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं आपको 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 अपने दोस्त नहीं वो तो आपको अपने दोस्तों पे यकीन होना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये व्लॉग व्लॉग वाली कहानी जो आप कह रहे हो स्क्रिप्टेड होती है सारी, जज साहब आप सुन रहे हैं ना सारे दलाइल, फैसला एंड पे आपने देना जज तो व्यू क्या सुने सिर्फ व्लॉग है, अच्छा आपने अब असल बात सुनी है, इन दोनों की आपने असल बात सुनी है, इन्होंने क्या बताया, स्टोरी लाइन ये है कि चोई साहब हमने ट्रीट नहीं दी अभी तो, यार तेरे बगैर ट्रीट ले सकते हैं आपके बगैर हम ट्रीट कर, यार हमने हमने बट को जरूर ये कहा कि बट साहब ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट, जब हम मंडेरन बैठ के खाना खा रहे थे तो बट को हमने ये शो कराया ये ट्रीट है, हमने खाया दबा के एंड पे बिल भी बट नहीं दिया, बट के कार्ड से पेमेंट ले लिया उसने, उसके बाद मैंने बट से बिल ले लिया, मैं बट साहब बिल खींच लेना जरा, उसको हमने जैसे डिवाइड डिवाइड करते हैं अमेरिकन सिस्टम, वो डिवाइड कर दिया, ये बट ने कहा कि ठीक है यार ट्रीट होगी, हमने कहा नहीं नहीं क्या व्लॉग यार, मुझे ना तीन चीजें उसको भी मिलेगी, एक टाइम पे व्लॉग है, एक टाइम पे तुम्हारी रियल फीलिंग है, और एक टाइम पे जो है ना वो तुम्हारी यार देख व्लॉग और रियल फीलिंग सब छोड़ दे, तुझे अपने दोस्तों पे यकीन होना चाहिए, मुझे है, बहरहाल फैसला ये हुआ है कि बट साहब जो है उन्होंने ट्रीट नहीं दी थी, अब वो उधर ही मैंडेरिन पे या फिर इक्विवेलेंट कोई भी नहीं, हम अब जो ही सब जगह वो अब जो होगा पता ठीक है, या मैंडेरिन या इक्विवेलेंट, लेकिन लेकिन आप तो ट्रीट दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अब सजा बनती है कि एक मिनट ना दोस्तों पे इसने यकीन नहीं किया, मीठा 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 दे रहे हैं, तूने दोस्तों पे यकीन नहीं किया, यार तेरे बड़े पूरी की सॉरी चल रही है, देखिए आओगे तो क्या लेके आओगे, जाओगे तो क्या, कांचा बोलता है
मेरी बात सुन, मुझे एक चीज होना सीरियस नोट अच्छा लगा कि अगर ये बाकी तुम लोगों ने फनकारी लगाई अभी भी कह रहा है अगर अभी भी अगर अभी भी 28 अभी भी ऐसे दिखा दिया और तू रोटी क्यों नहीं खाता मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मुद्दा सुन लो कि बंदे बुरे किए बगैर जैसे हम था आगे नहीं यार नहीं होनी चाहिए मुझे अच्छा लगा व्हाट्सएप बड़ी मेहरबानी बाकी जिसका भी पल्ला पहले जिसके भी मुंह से निकला ना उसकी अल्लाह याती करे शेख साहब ऐसे मैं वाकई में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अगर वाकई पीछे से ऐसा कुछ हुआ होता आपको पता है हमेशा जब हम बंदे पूरे करते हैं हम जब गाड़ी में बैठे थे ना हमने तभी डिसाइड किया हम जब बंदे करते हैं किसी काम के लिए और किसी के बगैर नहीं मूव करते तो फिर ये काम कैसे हो सकता है भाई आज अल्लाह अल्लाह की तरफ से स्क्वाड पूरा है 1 2 3 4 5 6 और मैं 7 ठीक है स्क्वाड पूरा हमारा ये पक्का है कि भाईजान कोई ट्रीट होनी है कुछ होना है कोई प्लान होना है हमने एक दूसरे के बगैर नहीं करना कोई एक बंदा भी शॉर्ट है तो हम वो काम नहीं करते खाऊ खाऊ चाची तुसी ला ले फैसले क्यों जी होने मुक गई जे जज साहब फैसला सुनाओ जी मुंह खाली कर लो भाई फैसला ये है फैसला कि दावत देनी है बादशाह आपके बगैर हो नहीं सकती ठीक है बहुत शुक्रिया तो अब बट साहब की कॉल है जहाँ पर गएंगे वो अच्छा ये मिठाई नहीं ये फैसला ये भी दोस्तों तो फैसला मिठा जी किस चीज़ का है मैंने खोली अच्छा सेक्शन बना के सुनाया मिठा तुझे सोच रहे हो बट साहब तुझे दोस्तों मिठा हाँ जी मिठा असी दसांगे जगह बास्किन रॉबिन्स आएंगे ठीक है बास्किन रॉबिन्स बन गया यार मैं कितनी है चौधरी हल्का कोई नहीं आएगा इसकी यार ये बैठे बैठे की चीज मीठा वही होगा जहाँ हर दफा होता है ठीक हो गया ये भी एक उसूल है ठीक है जज साहब बड़ी मार दे फैसला सुना क्या मारते हैं वो गला पिछली बार नहीं आए थे आपको भी कबूल है फैसला ना भी होता कोई मसला नहीं चलो समझ रहे हारिस भाई आप समझे लो जी फैसला हो गया कि क्योंकि ट्रीट हुई नहीं थी तो ट्रीट होगी तो वो या मंडेरिन या इक्विवेलेंट कोई भी रेस्टोरेंट है उधर होगी और जो मीठा है वो हमारे रिवायती जगह सीवीसी पे वो भी इसलिए चौधरी खिला रहा है क्योंकि इस हाथ का रखा जाए हमारे पे यकीन नहीं किया ये बात ना करना मीठा मैं खिलाऊंगा शक की नसें के यार एक चीज तुम लोग वीडियो रख रहे हो बहन जी तुम अभी मैं व्हाट एम आई सपोज टू डू यार एक चीज मेरे सामने आ गया जो मेरा दिल नहीं माना मेरा चल यार जो भी है बार आ रहा है ये बात ही देखे कैसे हो सकता है कि बंदे बुरे नहीं और खाना हो गया मैंने तुझे भी पूछा अच्छा वैसे कितने कोई कुन्ने हो तुम सारों से बात हुई सारों से बारी बारी अच्छा यार मुझे लोग एंड करने थे फिर हम बात करते हैं तो बाकी यार ये है कि रंग चलती रहेगी रिसा हमने खा लिया फैसला आपको दिखा दिया और क्या हो सकता है ब्लॉग में बस यही कुछ हो सकता है तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजिम दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़